कांग्रेस से बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद ने आजसू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। अंबा प्रसाद ने आजसू और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर उनके साथ गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। दरअसल मामला रामनवमी के दिन नयानगर बरका काना में रामनवमी मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम में विधायक अंबा प्रसाद भी शामिल होने पहुंची थीं। अंबा प्रसाद का आरोप है कि वहां पर उन्हें घंटों तक बिठाया गया और जब दो शब्द बोलने के लिए उनकी तरफ से आग्रह किया गया तो उन्हें मौका नहीं मिला। यहां तक कि उनके बॉडीगार्ड के साथ भी मारपीट की गई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आजसू कार्य के लोग और इनका जो चरित्र है किस तरह का है वो फिर से जग जाहिर हो गया है। इनका जो गुंडागर्दी है, ये जो हमेशा सुनने को मिलता है कि आजसू किस तरह की पार्टी है, पिछले बार भी इस तरह का अनुभव हुआ है जब हम विधायक नहीं थे तब। और कल बड़काकाना में एक कार्यक्रम के दौरान सब जगह गए, जहाँ भी गए बहुत अच्छे से लोगों के द्वारा प्रेम और स्नेह मिल रहा था। हर जगह जाके लोगों से मिल रहे थे, हर अखाड़े में जा रहे थे। उसके बाद फिर लोगों ने बोला कि आप वहाँ पे भी आइए, हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। फिर हम सोचे दो मिनट वहाँ पे होके फिर कई जगह मुख्य अतिथि के रूप में भी और हर जगह कोशिश करते हैं पहुँचने का। तो वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे जाते के साथ ये महसूस किए कि ये राजनीतिक मंच है। ये पूरा आजसू पार्टी के सारे लोग सदस्य, ये बीजेपी के भी कुछ लोग थे उसमें। दीजिए, हम लोगों को शुभकामना देके चले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके घंटों बैठाया गया वहाँ पे। उसके बाद फिर जब मुझे काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे थे तो हम उठ के उनको बोले कि अब आपसे आग्रह है कि हमको दो शब्द बोले दीजिए। हम तो जान रहे थे कि उनसे कुछ उम्मीद नहीं था, लेकिन मुझे इतना था कि ये राम भगवान का मंच है और राम भगवान किसी दल के नहीं होते हैं। किसी दल के होते हैं क्या राम भगवान? और एक विधायक अगर उनका स्वागत के लिए अगर वहाँ पे उपस्थित है तो ये कोई अपराध नहीं है। और वहाँ पे जैसे ही कोई कार्यकर्ता ने माइक लेके मुझे दिया, उस कार्यकर्ता को पीटने लगा गया आजसू के उन चेहरों के द्वारा जो लीडरशिप के साथ अक्सर दिखाई देते हैं। ये लोग ही अध्यक्ष थे वहाँ पे और इनके ऊपर मर्डर के बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज है, बहुत सारे संगीन अपराध वाले मामले दर्ज है। और ऐसे ऐसे लोग को अध्यक्ष वहाँ पे बना के वहाँ के लोग भी इनसे बहुत परेशान है, जो मुझे बाद में पता चला। तो इनका आचरण क्या है वो फिर से जग जाहिर हो चुका है। और ये राम भगवान का नाम लेके और राजनीतिक रूप से फ़ायदा लेने का कोशिश करते हैं। किसी महिला विधायक के साथ दुर्व्यवहार की हरकत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर अंबा प्रसाद के आरोप सही हैं, तो गलत हरकत करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।